रोहिणी जिले के बुद्ध विहार पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए लूटे हुए रुपए बरामद कर लिए, साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में कार सवार कारोबारी से हुई 2 करोड़ की लूट की वारदात को सुलझा कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.80 करोड़ रुपए की बड़ी रकम भी बरामद की है। गौरतलब है कि 29 मार्च की रात रोहिणी सेक्टर 24 में कारोबारी की कार को स्कूटी सवार ने रोका और पीछे से 3 लड़कों ने डिग्गी में रखे 2 करोड़ के 3 बैग लूट लिए और फिल्मी अंदाज में फरार हो गई। घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके कारण रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणय तालव यल ने बुद्ध विहार थाना एसएसओ विपिन यादव समेत स्पेशल स्टाफ रोहिणी, एसीपी ब्रह्मजीत सिंह, एसआई जगदीश, इंस्पेक्टर साइबर सेल और कंजावाला एसएचओ जर्नैल सिंह को तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी दी। रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव तायल ने मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान दीपक शान मोहम्मद, नवनीत उर्फ मोनू और एक अन्य संदिग्ध नाबालिग को गिरफ्तार किया है। डीसीपी के अनुसार आरोपी चांदनी चौक से कारोबारी की कार का पीछा कर रहे थे। रोहिणी सेक्टर 24 में मौका पाकर वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद रोहिणी जिले की 4 टीमों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कमर तोड़ मेहनत की और वृंदावन से मुख्य आरोपी दीपक को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली, जिसके बाद दीपक ने पूछताछ में बताया कि अपने अन्य 3 साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद बाकी 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दीपक पर पहले भारत नगर और सराय रोहिणी इलाके में रॉबरी के मामले शामिल हैं। पुलिस की चुस्त कार्रवाई और लूट की रकम की बरामदगी वास्तव में काबिले तारीफ है, जिसको लेकर लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा होना लाजमी बात है। भारत भूषण, दिल्ली, समाचार 24। 29 मार्च 2022 को कोतवीया थाने के क्षेत्र में एक रॉबरी की घटना हुई थी, जिसमें 4 रॉबर्स ने उस सियाज गाड़ी में, जिसमें जो कंप्लेनेंट अपने ड्राइवर के साथ जा रहा था, उसका चांदनी चौक के इलाके से पीछा किया और यहाँ पर बुद्ध विहार में सेक्टर 24 रोहिणी में इस वारदात को अंजाम दिया। ये चारों लड़के चांदनी चौक से इनका पीछा करते करते आए और गाड़ी के डिक्की में से जो 3 बैग्स कैश के पड़े थे, जिसमें करीबन 2 करोड़ रुपए थे, उनको लूट कर ले गए। यह एक स्कूटी और मोटरसाइकिल में इन्होंने गाड़ी का पीछा किया था और स्कूटी वाले ने जो गाड़ी है उनकी, जो कंप्लेनेंट की गाड़ी को आगे से रोका, उनको बातों में उलझाया और पीछे से ये 3 लड़कियों ने बाकी वारदात को अंजाम दिया। इस सिलसिले में रोहिणी जिला पुलिस ने अपनी उस मामले को पूरी संजीदगी से लेते हुए 4 टीम्स का गठन किया, एसएचओ पीएस साइबर सेल, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, एसएचओ बुद्ध विहार और एसएचओ कंजावला उनके नेतृत्व में, और उनको अलग अलग टास्किंग करते हुए, कार्यों में काम करते हुए सफलता हासिल हुई। इंस्पेक्टर अजय दलाल एसएचओ पीएस साइबर की टीम ने जो मेन अक्यूज है दीपक, उसको वृंदावन के इलाके में ट्रेस किया और उधर से एप्रिहेंड किया। ये जो दीपक है, इससे पहले भी 2 और घटनाओं में वांटेड है। जो सरायरोला में एक रॉबरी हुई थी और ये भरतनगर में एक रॉबरी में वांटेड है। इसी दीपक ने अपने साथ 3 और लोगों को शामिल किया, जिनके नाम मोहम्मद शान एलियस अमन है, नवनीत एलियस मोनू है और एक जुबिनाइल, एक 18 साल 4 महीने का लड़का है, जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते जब तक एज कम्प्लीटली डिटर्मिन नहीं हो सकती। इस सिलसिले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते करते अभी तक 1 करोड़ 80 लाख 30 हज़ार रुपये करीब रिकवर कर लिए हैं कैश में, और कुछ पैसा इन्होंने जो खर्चा किया है, जो वापस लिया जा सकता है या जो अकाउंटेड फॉर खर्चा है, वो 10 लाख के करीब का खर्चा अकाउंटेड फॉर है और बाकी और